अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरपुर। आज हम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरपुर सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाबी कल्चर जो है वो मनाया गया और जो हमारे पुराने दौर की जो है चीज़ें हैं वो यहाँ डिस्प्ले की गई हैं और वो दिखाई गई हैं ताकि जो हमारा माजी है उसको भी याद रखा जा सके। इस गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरपुर सिटी के यहाँ लेक्चरर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और खसूसन जना प्रोफेसर इसरार काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब का जो कल्चर है उसके बारे में जनाब इसरार साहब से पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्चर किसी भी कौम का ते इलाके की एक पहचान होती है ते ये सनती इनकलाब आने तो बाद फिर नौ आबादियाती निज़ाम आने तो बाद फिर ग्लोबलाइजेशन आने तो बाद साडे चुल्हे ते बैठे हुए लोग भी अपने कल्चर तो दूर हो गए ते फिर ये चुके चीज़ा टेक्नोलॉजी ने यह साडे उत्ते नाफिज कर दित्तियां। इस वास्ते साडा कल्चर ख़त्म होने की नहज ते सी लेकिन साढ़े जिहड़ा गवर्नमेंट की तरफ एक अच्छा ते उचेचा इनिशिएटिव लिया गया जिसकी वजह तो कल्चर को हाईलाइट किया गया ते आज गवर्नमेंट कॉलेज शोरपुर के बच्चों ने मुख्तलिफ अपने कल्चर के जाविए उजागर किए ते खास तौर पर पंजाबी अदब की जी असनाब सन वो बिल्कुल मालूम होती जाएँ सन ढोला माइया गीत टप्पे वो सारा कुछ अज बच्चों ने हाईलाइट किया। अजक डिजिटल दौर के भी उन्होंने अपने कल्चर को अपने लाइफ स्टाइल के तौर पर अपना के दिखाया तो योजी चीज़ा योजे प्रोग्राम फंक्शन होते रहने चाहिए ताकि जो सा मेरिया का रवाज तो खत्म हो गया या कोई बहुत ही कम रह गया तो इस वास्ते सा कल्चर जो